बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान फास्ट बॉलर शाहनवाज थानी का अपने आबाई गांव में शानदार इस्तकबाल। दोस्तों और रिश्तेदारों ने फूल और ढोल बजाकर शाहनवाज थानी का भरपूर इस्तकबाल किया, जबकि नन्हे बच्चों ने पोस्टर उठाकर अपने हीरो को वेलकम किया। बेशक अल्लाह जब इज्जत देता है तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी उसे मायूस नहीं कर सकती। PSL में अपनी शानदार और बरकरार बॉलिंग से जहां शाहनवाज थानी ने सबके दिल जीते, तो वहीं कुछ लोगों ने उसकी शक्ल का मजाक भी बनाया था, जिसके बाद शाहिद आफरीदी ने धानी की तारीफ करते हुए कहा था कि मैंने हजारों लोगों के साथ क्रिकेट खेली है, लेकिन शाहनवाज धानी की तरह खूबसूरत और अच्छे इखलाक का इंसान किसी को नहीं पाया। धानी अपने बड़ों की इज्जत करता है और मुझे अफसोस है कि मेरी पाकिस्तानी कौम इस नौजवान की शक्ल का मजाक बना रही है, जबकि इंसान की पहचान उसकी सीरत से होती है, ना कि शक्ल और सूरत से। दोस्तों शाहनवाज धानी को अक्सर आपने मुस्कुराते और हंसते हुए देखा होगा, मगर इस हंसी के पीछे बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहनवाज धानी का ताल्लुक सुबह सिंध के छोटे शहर लाड़काना के एक छोटे गांव से है। धानी 5 अगस्त 1998 को पैदा हुए, जबकि उनका फेवरेट बॉलर जौफर आर्चर है। धानी पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की विकेट लेने के ख्वाहिशमंद हैं। शाहनवाज धानी का ताल्लुक एक सिंधी और गरीब घराने से है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि पहली मरतबा क्रिकेट के ट्राइज देने के लिए उनके पास जूते और जुराबे तक नहीं थी। मैंने अपने दोस्त से उधार लेकर पहली बार अंडर 19 के ट्राइज दिए थे, जिसके बाद कई मुश्किलात और सफर के बाद PSL में शाहनवाज धानी को सिलेक्ट किया गया, जिस पर उन्होंने इंतहाई खुशी का इजहार किया। PSL 6 में शाहनवाज धानी ने 4 मैच में 9 शिकार किए और वो टूर्नामेंट के इस वक्त तीसरे लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द शाहनवाज धानी को पाकिस्तान टीम में भी खेलने का मौका मिलेगा। अगर आप भी शाहनवाज धानी के फैन हैं और उसे पाकिस्तान टीम में जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में धानी के हवाले से एक प्यारा जुमला जरूर लिखें। मजीद क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जज़ाकअल्लाह।